सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासियों ने एक तरफ जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर मौतों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ाया है। जी हां, ये हमारा आरोप नहीं बल्कि चिकित्सा विभाग के आंकड़ों की वानगी है। ऐसे में चिकित्सा विभाग ने मौतों पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर मरीजों पर विशेष फोकस शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान समेत देश भर में जून महीने में कोरोना का बड़ा प्रकोप देखने को मिल रहा है। अकेले राजस्थान की बात करें तो जून में 12 दिनों में 3,099 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले तीन महीने की औसत तुलना में तीन गुना है। यानी प्रदेश में पहले तीन माह में औसत जितने केस सामने आए उससे तीन गुना अधिक गति से केस जून माह में सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना मरीजों की मौतों के ग्राफ ने भी अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। अकेले जून महीने में पिछले दिनों की तुलना में सात गुना अधिक मौतें हो रही हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग का दावा है कि भले ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसी गति से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। यही वजह है कि लंबे वक्त से राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या 3,000 के नीचे चल रही है। कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच राजस्थान कितना तैयार है, इस पर नजर डालें तो राजस्थान में कोरोना नियंत्रण के लिए 407 कोविड अस्पताल और CCC हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को राजस्थान का प्रेजेंटेशन दिया गया है। ACS मेडिकल रोहित कुमार सिंह राजस्थान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में 407 सेंटरों पर कुल 43,704 बेड की उपलब्धता है। अस्पतालों में 8,090 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था है। इसके अलावा गंभीर मरीजों के लिए 1672 ICU बेड का इंतजाम है। फिलहाल विभिन्न सेंटर्स पर कुल 882 वेंटिलेटर की व्यवस्था है। इसके अलावा फील्ड में जरूरत के हिसाब से PPE किट्स उपलब्ध हैं। प्रवासियों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। विदेश से आने वालों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। 7 दिन के संस्थागत क्वारंटीन के बाद नेगेटिव आने वाले प्रवासियों को घर भेजा जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के गंभीर मरीजों पर विशेष फोकस रखें ताकि कई जिंदगियों को बचाया जा सके। राजस्थान में भले ही केस बढ़ रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त से एक्टिव केस की स्थिर संख्या काफी हद तक लोगों के लिए राहत की खबर है। लेकिन इस बीच बढ़ते आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि उम्मीद है कि लोगों की जागरूकता से राजस्थान कोरोना को हराएगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।